हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कीनोट के बारे में बताएंगे। कीनोट एक्चुअली एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, या आप इसको ऐप कह सकते हैं। ये आपको इजीली आईफोन में मिल जाएगी, ऐप एंड्रॉयड में भी आपको शायद मुश्किल मिले, लेकिन ये आईफोन की ऐप है। इससे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एनिमेशन के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशन कैसे बनाते हैं। ये मैंने कीनोट ओपन कर लिया, इसे हम एक नई बार खोलेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको कौन सी ऑप्शन चाहिए। इसमें ऑलरेडी रेडीमेड भी इनके पास प्रेजेंटेशंस हैं। इसमें आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बेसिक के ऊपर आते हैं। ये इसमें टॉप के ऊपर आप जाएं न्यू, ठीक है। इसमें आपके पास काफ़ी थीम्स आ रही हैं, ठीक है। हम सिंपल सी पकड़ते हैं, बेसिक ब्लैक पकड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन टाइटल। अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करके आप यहाँ पे अपना कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप सब टाइटल लिख सकते हैं, डबल क्लिक किया। ये एक्चुअली मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आप इसको मैक के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आईफोन में थोड़ा सा यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो मैक के ऊपर है वहाँ पे इजी है काफ़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब टाइटल में लिख देना है, लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ये हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये हमारा ये हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑथर नेम लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें मई 2020, ओके, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान थोड़ा सेंटर में कर दूँ, इसको आप यहाँ से पकड़ के टूल से इसको आप सेलेक्ट करके सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये इसका जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक इसको सेंट्रलाइज कर देगा। ये देखें, ये एक लाइन सी येलो कलर की लाइन आ रही है, इसने इसको सेंटर में कर दिया। आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा करना है, तो आपने ये वहाँ पे टॉप पे एक प्ले का बटन है, साथ में एक ब्रश का बटन है, ब्रश को ओपन करना है। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, वहाँ यहाँ पे आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, अपनी पसंद का फ़ॉन्ट लगाएं, ठीक है। मैंने ये लगा लिया, टेक्स्ट को बैक किया। यहाँ पे आपको नीचे इसका साइज़ मिल जाएगा, यहाँ से मैं ये इसको प्लस पे प्रेस कर रहा हूँ, ये बड़ा हो रहा है फ़ॉन्ट, ठीक है, जितना आपको चाहिए, ठीक है। ये इसको बाहर क्लिक कर दिया, ये देखें, अभी इसको पकड़ के ये बड़ा करूँ, ये बड़ा हो रहा है, जहाँ जितना फ़ॉन्ट किया था ना ये उतना बड़ा हो गया। ये इसका फ़ॉन्ट का साइज़ सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद ये लाहौर पाकिस्तान, ये हमने जो सब टाइटल किया था इसको भी छोटा किया, इसको भी हम सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये देखिए, ये सेम उसके नीचे सेंटर में आ गया। अब इसके मुकाबले में हमारा जो पाकिस्तान का वर्ड है काफ़ी छोटा सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। इसको दोबारा प्रेस किया, ब्रश पे क्लिक किया, उसके बाद फ़ॉन्ट को मज़ीद हमने इंक्रीज़ किया साइज़, ठीक है, 200 के पास ले जाते हैं। इसको वन बाय वन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 200 के पास कर दिया। यहाँ पे फ़िलहाल तो ये छोटा सा शो हो रहा है, लेकिन हम ये जो इसके 6 सर्कल बने हुए हैं वहाँ से इसको बड़ा करेंगे। ये देखिए पकड़ा, ये देखिए ये बड़ा हो गया जितना मैंने किया था, ये फुल साइज़ है 200। इसको ये सेंटर में कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये डेट आ गई। इसमें इजी ये है कि आप इजीली सेंटर कर सकते हैं। ये डेट भी छोटी सी लग रही है, इसको भी हम बड़ा करते हैं। ये 36 PT पे है, इसको हम 50 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर लिखा हुआ, यहाँ पे कलर दे दें आप, येलो में कर लें या ऑरेंज में कर लें, ठीक है। ये मैंने कर लिया, अब इसको पकड़ के सेंटर में ले आए।
आप अगर मैक में यूज़ करेंगे ये वाला सॉफ्टवेयर तो ये काफ़ी इजी होगा आपके लिए। माउस के साथ आप क्लिक कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टच के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हमारी प्रेजेंटेशन का फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज है या स्टार्टिंग है। अब इसमें क्या है, आपने एनिमेशन देना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा एनिमेट हो जाए, अच्छा लुक हो जाए, तो उसमें एनिमेट कैसे होगा ये देखें आप। ये सबसे यानी कि समझने वाली बात है, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप इजीली कोई भी एनिमेट बना सकते हैं। इसमें आप वीडियो ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ऑप्शन है। अभी ये देखें, जैसे पाकिस्तान है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये आपके ऊपर काफ़ी कट आ गया, कॉपी, डिलीट, कमेंट, लिंक, एनिमेट, ये ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। मैं एनिमेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एनिमेट कर रहा हूँ। ये देखें, एनिमेट में तीन ऑप्शन है। सबसे पहली ऑप्शन क्या है, ऐड बिल्ड इन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे आएगा, उसका स्टार्ट कैसे होगा, ठीक है। सेंटर में ऐड एक्शन, ऐड एक्शन का मतलब क्या है, वो जब फ्रंट पे आ जाएगा, स्टार्ट पे आपको शो हो जाएगा, उसके बाद हरकत क्या होगी, उसकी एक्शन क्या करेगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है थर्ड, ऐड बिल्ड आउट। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो टेक्स्ट है, अब उसने डिसअपियर कैसे होना है, ख़त्म कैसे होना है। अभी सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये ऐड बिल्ड इन, ठीक है। इसमें आप वो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा इफेक्ट लगाना है, ये नॉर्मल इफेक्ट हैं, ये अपीयर एंड मूव वाले इफेक्ट हैं, ठीक है। ये फ्लिप, स्पिन, स्केल, ये सब इफेक्ट्स हैं, ये स्पेशल इफेक्ट है, ठीक है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस ऊपर ये देखो आप, ऐड बिल्ड इन है, ये इन है, यानी टेक्स्ट इन करना है, ठीक है। मैं नॉर्मल इन करता हूँ, इसमें हम करते हैं ये अपीयर एंड मूव में है कंप्रेस, ये मैंने कंप्रेस इसको मैंने सेलेक्ट किया है, डन कर दिया ये ऊपर, डन, ठीक है। अभी ये कैसे नज़र आएगा इसका मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैं ऊपर प्ले का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें ये कैसे यानी कि इसका शो कैसे होगा। ये देखें, मैं इस स्क्रीन के ऊपर एक टच किया, ये देखें ये ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने लाहौर पाकिस्तान इसके ऊपर इफेक्ट लगाना है, ये देखें इसको भी सिलेक्ट किया। इसके बाद भी ये तीन ऑप्शनें आ गई हैं। इस टाइम हम ये एनिमेट के अंदर काम कर रहे हैं, हमने सबसे पहले अपना टेक्स्ट वगैरह उसको क्लियर करना है, टेक्स्ट सारा हमने उसको फाइनल कर लेना है, जो जो आपने लिखना है, जैसे भी लिखना है, जिस साइज़ में लिखना है, जिस कलर में लिखना है, वो आपने कर लेना है। सबसे लास्ट में हम एनिमेट करेंगे, ठीक है। अब ये मैं लाहौर पाकिस्तान को एनिमेट करने लगा हूँ, ये देखें। इसको भी अभी, क्योंकि जब सब चीज़ें आएंगी, सबसे पहले इन होगा, उसके बाद उसको हम एक्शन देंगे, फिर लास्ट में आउट करना है, ठीक है। अभी ये लाहौर पाकिस्तान को भी पकड़ा है, इसको भी इन करने लगे हैं, ठीक है। इसको मैं इन कर देता हूँ, ये फ्लाई इन कर देते हैं, ठीक है, फ्लाई इन, डन किया, ठीक है। इसके बाद ये कैसे नज़र आएगा ये देखें आप, ये देखें सबसे पहले पाकिस्तान आया, ठीक है, फिर इसके बाद ये लाहौर पाकिस्तान आया, ठीक है। अभी हमारा ये रह गया मई 2020, ये रह गया, इसको भी इन करना है, ऐड बिल्ड इन। इसको मैं करता हूँ ये कीबोर्ड के ज़रिए कर देता हूँ, इसको कीबोर्ड वाला इफ़ेक्ट दे देते हैं, यानी कि ये टाइप करेगा। इसके बाद डन किया, ठीक है। अभी हमारा ये तीन आइकन्स हैं, एक पाकिस्तान लिखा हुआ है, एक सेंटर और ये लास्ट में, ये तीनों ऑप्शनों को मैंने एनिमेट कर दिया, जस्ट बिल्ड इन किया अभी इन, ठीक है। अभी देखें इन में कैसे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये फर्स्ट कैपिटल पाकिस्तान, ये देखें लाहौर पाकिस्तान, ये डेट आ गई, ठीक है, ये एनिमेट हो गया। यानी कि जस्ट आप कोई भी मूवी देखो तो उसमें स्टार्टिंग में सब कुछ ये ऐसी, यानी कि नेम वगैरह, उसकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ ऐसे शो होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इन। अभी दोबारा से आए, अभी पाकिस्तान को हमने करना है ऐड एक्शन। ये मैंने क्या किया है, ऐड सेंटर में, इन हो गया हमारा, तीनों चीज़ें इन हो गई हैं। अब ऐड एक्शन करना है, सबसे पहले पाकिस्तान को सिलेक्ट किया मैंने, पाकिस्तान को वो एक्शन क्या देना चाह रहा हूँ मैं, स्केल का, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए, या कुछ भी, ये जिंगल का कर लें आप, पॉप का कर लें। पॉप का मतलब क्या होता है, एकदम थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर अपनी पुरानी पोजीशन पे चले जाना। पॉप कर लिया मैंने, डन, ठीक है। अब ये देखें ये कैसे शो होगा, ये देखें ये आया, ये हमारा ये वाला लाहौर पाकिस्तान आया, डेट आ गई,
अभी इसके ये हमारा इन हो गया, इसके बाद एक्शन है। ये देखें पहले एक्शन पाकिस्तान पे हमने सेलेक्ट किया था, ये देखें ये देखें ये थोड़ा सा आपको हुआ ना जूम हो गया, आउट हो गया। अच्छा इसके ऊपर हो गया, अभी लाहौर के ऊपर आ जाए ऐड एक्शन। ये आप टॉप पे देखो ऐड एक्शन है, ठीक है, इन नहीं है। अभी ये देखें ऐड ऐड एक्शन में हम करते हैं लाहौर पाकिस्तान को ब्लिंक करते हैं, ये मैंने ब्लिंक कर लिया। इधर आप लेफ़्ट पे देखो प्रीव्यू भी दे सकता है आपको, ये देखें ना, ये देखें ऐसे प्रीव्यू देगा, ठीक है। ये मैंने ब्लिंक कर लिया, डन, ठीक है। अब उसके बाद ये वहीं को पकड़ा, इधर भी ऐड एक्शन कर दिया। ये जगलिंग कर देता हूँ, इसका भी प्रीव्यू देखना कैसा आएगा। ये देखें ये ऐसा जगलिंग करेगा, ठीक है, डन हो गया। अब ये हमारे तीनों प्रोसेस हो गए। सबसे पहले हमने इन किया, फिर एक्शन दिया, अब उसके बाद आउट करना है, ठीक है। ये डन हो गया हमारा, ठीक है। अब सबसे पहले फिर पाकिस्तान पे आए, एनिमेट किया। अब ये लास्ट वाली ऑप्शन है ऐड बिल्ड ऑन, ये आपके बॉटम पे राइट पे ऐड बिल्ड आउट की ऑप्शन है, अब इसके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा अब यानी कि जो पाकिस्तान सबसे पहले आया, यानी वो यानी जैसे उसको हमने इफेक्ट दिया था वैसे आया, फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा जूम किया फिर आउट हो गया। अब उसको गायब करना, ख़त्म करना है, यानी कि अभी हमने अपना शो करवा लिया कि ये मैं दिखाना चाह रहा था, अब इसके बाद आउट भी तो करना है ना। अभी ये देखें इसमें क्या इफेक्ट दे रहा हूँ मैं, इसमें आप देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ ऐड बिल्ड आउट है, ये अब आउट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आउट कैसे हो, ये देखें मैं चाह रहा हूँ ये आउट इस तरह हो कि एक्सपेंड हो जाए, पाकिस्तान एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। ये देख कैसे शो होगा, प्रीव्यू देखना है, ये देखें ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक्सपेंड पर डन कर दिया, ओके। उसके बाद ये लाहौर पाकिस्तान को पकड़ा, सेलेक्ट किया, इसको भी हमने आउट इसको देना है। ये वाला स्टाइल, ये मैं ट्रेस वाला स्टाइल दे देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए इसका भी प्रीव्यू देखें, ये देखें, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। अब डेट को सेलेक्ट किया, इसको भी आउट किया, इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा स्टाइलिश स्पेशल इफेक्ट दे देते हैं, इसको मैं इफेक्ट देता हूँ ये शिमर का, ये स्पेशल इफेक्ट है ये। इसका भी प्रीव्यू देखो आप, ये देखें ये कैसा लगेगा, ये देखें, ठीक है, डन कर दिया। अभी देखें इसमें ये तीनों पाकिस्तान, ये जो हमारी तीनों लाइनें हैं या तीनों आप सेंटेंस कह सकते हो, इन तीनों को हमने तीन किस्म के इफ़ेक्ट लगाए हैं। सबसे पहले हमने इन किया, फिर एक्शन दिया, और फिर उसके बाद हमने आउट किया है। अभी हमारे ये तीनों यानी कि इनके एनिमेशन रेडी है, इसका प्रीव्यू देखना है मुकम्मल। ये देखें सबसे पहले प्ले किया, अभी ये वीडियो हमने क्रिएट नहीं की, ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वैसे टच टच करके। ये देखें ये आया, फिर ये इन हुआ, ठीक है। अभी एक्शन देने लगा हूँ, ये देखें पाकिस्तान का एक्शन, फिर लाहौर पाकिस्तान का एक्शन, फिर मई 2020 इसका एक्शन, ठीक है। अब आउट होने लगा है, ये देखें पाकिस्तान आउट हुआ, ये लाहौर आउट हुआ, और ये मई 2020 आउट हो गया, ठीक है, समझ गए आप। ये हो गया, इसको हमने वीडियो को सेव करना है, ये हमारी वीडियो बन गई है, इसको हम सेव करना चाह रहे हैं। ये आप हम अपनी कोई भी वीडियो, जस्ट आप पाकिस्तान के बारे में वीडियो बना रहे होंगे तो आपको ये स्टार्टिंग में ये आपको टाइटल्स वगैरह ये चाहे होंगे, ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाह रहे हो, ठीक है। अभी ये वीडियो सेव कर रहा हूँ, ये देखें ये आपको ये टॉप पे राइट साइड पे डॉट डॉट थ्री डॉट बने हैं, इसको ओपन करना है। यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है, ये एक्सपोर्ट है, इसमें ऑप्शन पूछ रहा है आपको PDF चाहिए, आपको पावर पॉइंट ऑप्शन चाहिए, आपने मूवी बनानी है कहीं मूवी में लगाना है, या आपको इमेज चाहिए, कुछ भी आप चाह रहे हो, लेकिन मूवी बनाएंगे हम, ठीक है। ये मूवी पे सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद उसने रेजोल्यूशन पूछा है ऑप्शंस में, मैं कर रहा हूँ 1080 कर रहा हूँ, इसमें हम 4K भी कर सकते हैं लेकिन 1080 नॉर्मल है, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसमें सेकंड 00 रखने हैं आपने, जब भी बनाने हैं आपने इनको स्लाइड आफ्टर वाला इफेक्ट इसमें 00 सेकंड पे करना है आपने, इसको आपने ये प्लस नहीं करना, 2-3 सेकंड ना कर दें, 00 जो तो एक्चुअल आपको नज़र आएगा। और ये जो सेकंड ऑप्शन लिखी हुई है स्लाइड रेंज, इसको आल करना है। अगर आप इस इधर से सिर्फ एक को सेलेक्ट कर देंगे, समटाइम क्या होता है ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक
हमारा लिखा हुआ है वन, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, नई ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो टू हो गया, ठीक है। अभी हम सिर्फ हमने वन के ऊपर ही काम किया, तो मैं चाह रहा हूँ ये टू को डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दी, ठीक है। अभी हम इसको सेव कर रहे थे, एक्सपोर्ट मूवी, क्वालिटी हमने सेलेक्ट कर दी। अब ये आप प्रेस एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। ये हमारी मूवी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ मूवी बनने के बाद कैसी हमको, यानी कि उसको प्ले करेंगे कैसी नज़र आएगी। अब ये देखें सेव वीडियो, मैं अपने अपनी गैलरी में सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गई है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारी कैसी नज़र आएगी मुकम्मल, जस्ट प्ले करेंगे हमारा वो पूरा एनिमेशन नज़र आएगा। ये देखें ठीक है, ओके गाइस, आपने देख लिया। ऐसे आप कोई भी एनिमेशन की वीडियो बना सकते हैं, आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल भी, फ़ॉन्ट भी, जो आप चाहें उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स को भी एनिमेट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छी बना सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।